मतलब कराची वाले आया तो पसंद आएगी। कराची वाले स्पेशली हफ्ते की रात को मेरे पास कितनी पार्टी जो आती है। लड़के ने बड़ा दावा कर दिया कि कराची वाले आते हैं। ये देखे जी लाइन लगी हुई है, ये लाइन के साथ चलना पड़ता है और अंदर भी माशाल्लाह फुल है। खाने के लिए ना हम सोते नहीं है। सोते नहीं हो? बिल्कुल, हम यहाँ से बिरयानी खाने के बाद फिर जाके सोए। बहुत जबरदस्त जायका है, खाने में बहुत टेस्टी है, माशाल्लाह ये हैदराबाद की सौगात है। वाह जी वाह, कोई आधा किलो कोई एक किलो, यहाँ तो उससे कम नजर ही नहीं आ रहा कोई। वाह भाई लड़के वाह। अच्छा भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि रात के 8-9-10 बज रहे हैं तो आप बोलोगे हाँ यार रश तो होता है ना ऐसे बिरयानी पे, लेकिन मैं कहूं रात के 3 बज रहे हैं तो थोड़ा दिमाग घूमेगा, बोलेंगे कहां पर है रात के 3 बजे, नहीं बेवकूफ़ बना रहा हूं। नहीं भाई, असल में बिरयानी और ये कराची वाली नहीं रात 2 बजे वाली, बल्कि ये हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर रात के 3 बजे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी मिलती है जिसको खाने के लिए पूरा हैदराबाद जगह रहता है। तो आप मेरे पीछे अगर मैं रश भी देख रहे हैं और एहतियातन आपको टाइम भी दिखा दूँ, ये देखें जी नजर आया नहीं आया खैर है, लेकिन इस बार रात के 3 से ऊपर टाइम हो चुका और रश देखे माशाल्लाह। लोगों से पूछेंगे कि हैदराबाद में बिरयानी नहीं मिलती या इसकी वजह से या इसका जायका अच्छा होता है तो उसका इंतजार करते हैं। तो हमारे साथ रहिए कि आपको मुकम्मल तौर पर दिखाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और खाकर रिव्यू भी देंगे कि वाकई कुछ कराची के लेवल का टेस्ट है या बस थोड़ा हल्का है, हैदराबाद वाले चल जाता है हैदराबाद वालों के लिए। आ जाए देखा ले लूँगा वो मसला। ये बिरयानी पुलाव बिरयानी है? ये जी सर पुलाव, पुलाव है जी ये देखे। ये देखे जी लाइन लगी हुई है, ये लाइन के साथ चलना पड़ता है और अंदर भी माशाल्लाह फुल है। और इस वक्त कितने बज रहे हैं रात के भाई? रात के कितने बज रहे? 3 बज रहे हैं ना भाई दोस्तों। देखे जी ये बज रहे हैं रात के 3 और ये है मकाम। देखें जी, तो सर ये एक बात बताएं कि बहुत मज़े की होती है रात के 3 बजे मिलती नहीं बिरयानी, आप लोग आए यहाँ पर मज़े की बिरयानी है इसीलिए। मज़े की बिरयानी होती है तो सोए हैं या इसके लिए जगे रहे? नहीं जागते ही रहते, सोते कब है हैदराबाद वाले यार? हैदराबाद वाले सोते नहीं है और रात के 3 बज रहे माशाल्लाह है ज़बरदस्त। देखें जी ये लाइन लगी हुई है, देखें ये देखें ये लाइन 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 लाइन। सर ये खाने के लिए ना हम सोते नहीं है। सोते नहीं हो? बिल्कुल, हम यहाँ से बिरयानी खाने के बाद फिर जाके सोएंगे, क्योंकि इसके लिए है ना हमें बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता है। जाहिर सी बात है जब अच्छी चीज़ होती है ना तो बेहद आशा उसके ऊपर रश भी होता है। इसके अंदर सब में अच्छी बात यह है कि गोश्त भी बहुत अच्छा है और चावल भी बहुत अच्छे हैं, जैसे रेट है ना वैसे बहुत अच्छी चीज़ है। सर वैसे तो मैंने अंदाज़ा नहीं किया, टोकन लिए थे, 1000 का नोट दिया था। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त, चले जी देखे। अभी देखिए पार्सल के लिए भी टोकन हाथ में। अरे माशाल्लाह भाई लड़का फुल, मतलब सुबह नाश्ते में भी खाओगे? बिल्कुल सर, घर वालों के लिए भी लेके जानी है ना, उन्होंने पहले ही ऑर्डर दे दिया था, खाने तो जा रहे हो लेकिन लेते हुए भी आ रहे। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जायका है, खाने में बहुत टेस्टी है, माशाल्लाह ये हैदराबाद की सौगात है। हम इसके लिए रात भर जगते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब तैयार होगी और कब हम लाइन पर लग कर कलम कब ये बिरयानी लेंगे और कब खाएंगे और कब घर जाएंगे। और बहुत टाइम कभी कभी हम ऐसा भी होता है घर के लिए भी लेने आते हैं। अच्छा भाई देखें इन लड़कों ने भी सब मन के खत्म फारिक फिनिश कब खत्म। अच्छा भाई देखें अब यहाँ के हैदराबाद वालों ने बहुत तारीफ कर दी और रात के 3 बजे तक जगते भी हैं, सोते नहीं हैं, इसके लिए तो बड़ी कहते हैं ना अच्छी बिरयानी होगी जिसके लिए इंतज़ार करते हैं। तो हम अब चलते हैं, ज़रा खा के भी देखें ना असल हकीकत बताते हैं आपको कि बिरयानी है कैसी यार, और एक्सपर्ट है ना यहाँ पर मौजूद तो बताएगा भाई आपको। पहले देखें वहाँ लगा हुआ रश, वहाँ से आपको काउंटर मिलेगा। आए काउंटर पर चलें, पहले आ जाए काउंटर पर चलते हैं, टोकन लेते हैं। आ जाए भाई देखें यहाँ से आपको टोकन मिलता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर क्या पाव है आपकी बिरयानी? 90 रुपये पाव। एक पाव बनाए भाई, एक पाव होते हैं क्योंकि हैदराबाद में कुछ और भी खाना है आज ना। अरे नहीं सर, मोहब्बत आपकी बात। ये बताएं कि कब से खोला हुआ है आपने, कब से है ये? रात के 3 बजे क्या ख्याल आया ऐसा भाई? आप जैसे भाई ने किसी ने एडवाइस दी यार, रात को स्टेशन के करीब कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलती, मतलब होटलें 12 बजे ऑफ हो जाती हैं और अच्छी चीज़ नहीं मिलती। ये हैदराबाद बिल्कुल स्टेशन के साथ है? बिल्कुल स्टेशन के साथ ही है, सुभान अल्लाह के नाम से। सुभान अल्लाह के नाम से। और ये पुलाव होता है, बिरयानी होती है, क्या होता है ये? जी हाँ, बीफ यखनी पुलाव होता है। बीफ यखनी पुलाव होता है हमारे पास और माशाल्लाह अच्छे मसालों में बनी हुई है। आपको पता है हैदराबाद की मशहूर बिरयानी वैसे ही मशहूर है, अच्छी बनी हुई, अच्छे कारीगर से बनी हुई, तो दो चांद लग जाते हैं उसके अंदर। तो मतलब कराची वाले आया तो पसंद आएगी? कराची वाले स्पेशली हफ्ते की रात को मेरे पास कितनी पार्टी जो आती हैं। लड़के ने बड़ा दावा कर दिया कि कराची वाले आते हैं, गोसिया वाले जो खाने वाले हैं ना वो खाते हैं, बोले हमें मजा नहीं। न्यू कराची गोसिया वाला? बिल्कुल भाई देखे, गोसिया बड़ा मशहूर है वहाँ का पुलाव, न्यू कराची का जिसकी बात कर रहे हैं।
और अगर ये कह रहे हैं कि वो खाने के बाद ये खाने के बाद उस पर मज़ा नहीं आता तो बहुत अच्छी होगी। चला जी बनाए सर एक टोकन दे, आ जाए जी आ जाए भाई, ये सिर्फ ये टोकन मिलेगा आपको, छोटा सा टोकन है, आ जाए भाई। वाह जी वाह, कोई आधा किलो कोई एक किलो, यहाँ तो उससे कम नज़र ही नहीं आ रहा कोई। वाह भाई लड़के वाह। तो भाई एक छोटी सी हमारी भी लगा दे, एक पाव लिए हमने बस ज़रा अपनी खुराक के हिसाब से। चलो जी ये आ गई है, और पीछे ना कवाली चल रही है और फतेह अली की, मुझे लग रहा है कि मुझे ना ये कॉफी स्ट्राइक आ जाएगी, अंदर चलते हैं भाई। अच्छा भाई हमने बस थोड़ी सी ली है, अच्छा दादा नहीं चाहिए, हमने बिल्कुल थोड़ी सी ली है, लेकिन अच्छा है ये बिल्कुल हैदराबादी यखनी पुलाव। देखिए आपको खड़े मसाले नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर, इसी तरीके से यानी साबुत धनिया, इसी तरीके से हरे मसाले, हरी मिर्च, कटर मिर्च जो आपको साबुत दखनी मिर्च कहते हैं वो भी नज़र आ रही है। तो अच्छा मसाला लग रहा है, देखने में अच्छा है। अब ज़रा खा के देखें ना, रात के 3 बजे मिल जाए बिरयानी यार, पुलाव क्या बात होती है। खैर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ से खाते हैं ना यार। अच्छा जी गोश्त, अच्छा गोश्त ये बीफ ही है और गोश्त अच्छा है, गोश्त प्रॉपर गला हुआ है, गोश्त रखते हैं पहले, गोश्त प्रॉपर ठीक है, रिस्पेक्ट है, प्रॉपर गला हुआ है, सही है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं इतना, और रवाज के बगैर तो आप कहते हैं ना पुलाव मुकम्मल नहीं होता। तो मेन चीज़ आते हैं चावलों पर यार, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा है, हैदराबाद के लिहाज से बहुत अच्छा है, कराची के लिहाज से, रात के लिहाज से भी बेहतर है, मगर हैदराबाद के लिहाज से सुपर सुपर है, क्योंकि मैंने हैदराबाद में अकरम की बिरयानी खाई है, कमोबेश ऐसा ही जायका होता है, मगर रात के 3 बजे अगर आपको इस तरह का जायका मिल जाए तो बहुत मज़ा आता है। लिटरली हैदराबाद वालों के तो मज़े आते हैं यहाँ पर रात में खाने के लिए, तो इसलिए हम कराची से ट्रैवल करके आए थे कि इसको देखें कि कैसा जायका है, बहुत तारीफ सुन ली, क्योंकि कराची में भी जेल चौरंगी के करीब रात के 2 बजे आपको बिरयानी मिलती है, और हमने वो भी बनाई थी, वो भी दिखाई थी, तो हमने सोचा हम फिर बहुत से हैदराबाद के लोगों ने कहा कि यार आपने कराची क्यों दिखा दी रात के 2 बजे वाली, हमारे हैदराबाद वाली भी दिखाए ना 3 बजे वाली, तो हमने कहा अच्छा जी। अरे देखें ये तकरीबन 100 रुपये की है, 100 रुपये के लिहाज से क्वांटिटी ठीक है, अच्छी खासी है, एक बंदा आराम से खा सकता है, बोटियाँ भी ठीक ठाक दे दी, हो सकता है कैमरे की नज़र से दी हो लेकिन ठीक है, स्पाइसी है, और जो हैदराबादी होता है ना टिपिकल पुलाव हल्का सा चटपटा सा, ये वैसा ही है बिल्कुल। वह मेरी तरफ से पास है, हाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके लिए आप कराची से या कहीं और से सफ़र करें, मगर आप हैदराबाद के हैं और आपने फिर टेस्ट नहीं किया, जल्दी से आए खाएँ उसको जायका चखें, क्योंकि भाई आपके शहर में बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है। तो फिर अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, खासतौर पर हैदराबाद वाले, ताकि आप ज़्यादा शेयर करोगे पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा कि आपके पास रात में भी कुछ बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। नज़र खा लूँ, अल्लाह हाफिज़।